हे एवरीवन, आज के वीडियो में मैं कार का डीआईवाई करने वाला हूँ। कुछ बहुत मेजर नहीं है, बट ये जो ग्रिल है ये आप देख सकते हैं, सो ये बहुत हिल रही है क्योंकि इसके नीचे के जो ब्रैकेट्स हैं वो टूट चुके। ऑल्सो हिलने के वजह से ये वाइब्रेशंस बढ़ रहे हैं एंड आवाज़ भी बहुत कर रही है। तो अब इसके लिए मैं कुछ जुगाड़ करने वाला हूँ, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको दिखाऊंगा। तो ये ग्रिल जो है पहले से ही जुगाड़ करके लगाई हुई है, ऐसे नहीं होता ये। तो आप देख सकते हैं ये क्लिप्स, ये हम ही ने बना के लगाए हुए थे क्योंकि ये टूटा हुआ है एंड दिस इज़ एक्सपेंसिव, सो आई डिडंट वांट टू बाय अ न्यू वन। ये चल जाता है, ऐसे भी कॉस्मेटिक है। तो ये 1, 2, 3 और 4 पहले रिमूव करेंगे, उसके बाद इस पर क्या जुगाड़ करना मैं आपको बताता हूँ। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ब्रैकेट्स टूटे हुए, 1, 2, 3, 4 और ये 5 जो यहाँ फिट होते हैं, लाइक 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये ब्रैकेट्स टूट गए, तो इसके जगह पे कुछ और लगाएंगे हम। आई विल शो यू क्या लगाएंगे। तो अपने पास कुछ सेल्फ थ्रेडिंग स्क्रूज है, बहुत शार्प होते हैं, ये चाइना स्क्रू भी बोलते हैं आजकल इसको। एंड वी हैव दीज सकर्स, ये कांच को चिपकाने वाला। तो ये तो मैं हार्डवेयर स्टोर से लेके आया हूँ एंड ये जो है वो कोई भी कार का मैकेनिक स्पेयर पार्ट की दुकान से ये वाले आपको मिल जाएंगे। ये आपको हार्डवेयर पे नहीं मिलेंगे, ये कार स्पेयर्स की दुकान में मिलेंगे, ये हार्डवेयर पे मिल जाएंगे आपको। तो इसको मैं इस तरह से इसके अंदर स्क्रू अप करूँगा एंड उस ग्रिल को स्क्रू अप करूँगा, सो आई विल हैव माई ब्रैकेट बैक एंड उसके अंदर फिट हो जाएगा, काम करेगा ये, डोंट वरी। कैसे करेगा ये आपको बताता हूँ। तो ये जब आप स्क्रू अप करेंगे तो ये यहाँ से करना है, यहाँ से नहीं करना है, यहाँ से आपको घुसाना है ताकि स्क्रू का जो हेड है वो इसके अंदर फिट हो जाए, यहाँ पे फिट हो जाएगा। इस तरह से आपको ये अंदर डालना है स्क्रू करना। तो अब ये जो स्क्रू और सकर का असेंबली मैंने बनाया वो मैं यहाँ पे स्क्रू करूँगा इसके अंदर। 5 है तो 5ों के 5ों मैं इसको अच्छे से स्क्रू करूँगा। सो मैं लाया तो 5 था बट मैंने 2 ही लगाए, एक मतलब दोनों अलग अलग कॉर्नर्स पे, राइट कॉर्नर लेफ्ट कॉर्नर, 2 कॉर्नर वाले लगाए, बीच वाले जो 3 हैं वो नहीं लगाए। एंड इससे भी मेरा काम हो रहा है ऐसा नज़र आ रहा है मेरे को। तो आई डोंट थिंक आई टेक ऑल दैट ट्रबल एंड पुट ऑल द 5, उतना फिट नहीं चाहिए मेरे को, तो आई थिंक आई मेक डू। वैसे भी ये जुगाड़ वाला काम है तो 2 पे फिट कर देता हूँ, देखते हैं कैसा है। अगर लगा के और फिट करना चाहिए तो एक और मार दूंगा उसमें। सो गाइज, 2 तो नहीं बट मैंने 4 फिट कर दिए, ये 1, 2, 3 एंड 4। अब क्योंकि बोला अभी फिट कर रहे हैं, रोज़ रोज़ तो काम ये करने वाले हैं नहीं, तो लेट्स गेट इट मोर रिजिड एंड मोर टाइट। एकदम टाइटर होने के लिए 4 लगा दिए मैंने, बोला जुगाड़ वाला काम लेकिन वो भी ज़रा अच्छे से करते। चारों ब्रैकेट फिट कर दिए जुगाड़ वाले, अब ये भी मैंने टाइट कर दिया, सो नाउ ये देख सकते हो आप।
अब ये ग्रिल जो है ये ना हिल रही है ना वाइब्रेट हो रही है. नाउ दिस हैज बिकम एज टाइट एज अ कंपनी फिटिंग ग्रिल. सो आई डोंट नीड टू बाय अ न्यू वन फॉर लाइक 10 years. जुगाड़ सक्सेसफुल.